हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मंत्राबाई नवीन सर के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अंडरलाइन किया है इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़ को। पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इक्वेशन क्या होती है? ऐसा कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर इक्वल का साइन हो। किसका साइन हो? इक्वल का साइन हो, वो क्या कहलाएगा? हमारा इक्वेशन कहलाएगा। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, यह कहलाएगी हमारी इक्वेशन कहलाएगी। अब यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स कितने लिए हैं? 2 लिए हैं। तो 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या हो जाएगा? x एंड y। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आखिर वेरिएबल होते क्या हैं। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स कोई भी वैल्यू जो क्या करती हो, बार बार वेरी करती हो, चेंज होती हो, उसे क्या कहते हैं? हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे इसको डिनोट करने का तरीका क्या है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के स्मॉल लेटर्स क्या कहलाते हैं? हमारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। जैसे ए बी सी डी एंड सो ऑन, एक्स वाई एंड जेड एटसेट्रा। और भी बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन डिनोट करने के लिए सामान्य रूप से क्या लिखते हैं हम? जनरल फॉर्म में यही लिखते हैं। सिमिलरली एक वर्ड होते हैं हमारे कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं जो क्या हो, हमेशा फिक्स वैल्यू हो। तो कोई भी रियल नंबर क्या होता है हमारा? कांस्टेंट होता है। जैसे 1, 2, 3, -3, -4/3 एक्सेट्रा। तो कहने का मतलब कोई भी रियल नंबर क्या कहलाएगा हमारा? कांस्टेंट कहलाएगा। कांस्टेंट मतलब फिक्स हो गया। ये जो वैल्यू है 1, ये हमेशा क्या रहेगी? 1 ही रहेगी। लेकिन वेरिएबल क्या करता है? बार बार वेरी करता है, चेंज होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर वेरिएबल्स कितने हैं? एक एक्स है और एक वाई है, दो वेरिएबल्स है। तो इक्वेशन क्या होती है? जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन इक्वल साइन के साथ हो, क्या कहलाती है? हमारी इक्वेशन कहलाती है। वैसे अगर हम बात करें इनइक्वालिटीज़ का मतलब वो इक्वेशन नहीं है, वो क्या है? इनइक्वालिटीज़। तो इनइक्वालिटीज़ के कुछ साइन होते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे एक साइन दे रखा है, इसे कहते हैं हम लेस देन। एक साइन दे रखा है, इसे कहते हैं हम ग्रेटर देन। एक होता है लेस देन के साथ इक्वल टू, ये जो डैश लगा रखा है इसका मतलब क्या है? इक्वल टू। एंड सिमिलरली एक होता है ग्रेटर देन, ये क्या होता है? साथ में इक्वल टू। तो चार नाम कौन कौन से हो गए इसके? इसको बोलेंगे हम लेस देन। क्या बोलेंगे? लेस देन। इसको बोलेंगे ग्रेटर देन, एंड इसको बोलेंगे लेस देन इक्वल टू। क्या बोलेंगे? लेस देन इक्वल टू, एंड इसको बोलेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये चार साइन हो गए हमारे लिए, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर इनमें से कोई भी साइन एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ लगा दिया जाए, तो वो जो कहलाती है उसे क्या कहते हैं हम? इनइक्वालिटीज कहते हैं। उसे हम इक्वेशन नहीं कहते। क्या कहते हैं? इनइक्वालिटीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स लेस देन थ्री। हम क्या लिख सकते हैं? एक्स लेस देन थ्री, या x लेस देन इक्वल्स टू 3, या x ग्रेटर देन 3, या x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। कहने का मतलब ये जो कहलाएगी सब क्या कहलाएगी हमारी? इनइक्वालिटीज कहलाएगी। ये अभी किस वेरिएबल में है? ये अभी कितने वेरिएबल्स में है? ये ओनली 1 वेरिएबल्स के अंदर है। ये 2 वेरिएबल्स में भी हो सकती है। तो हमारे इस चैप्टर के अंदर या 1 वेरिएबल में भी इनइक्वालिटीज है और 2 वेरिएबल्स में भी इनइक्वालिटीज है। तो कहने का मतलब अब आप समझ गए होंगे, अगर 2 वेरिएबल में लिखना हो आपको तो कैसे लिखेंगे उसको? 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल्स टू 0 या 4 या 3 या एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट। कहने का मतलब ये सब क्या हो चुकी है? हम पढ़ चुके हैं कि इक्वेशन और इनइक्वालिटीज में डिफरेंस क्या है। तो अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं इसको? तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो स्टार्टिंग के फॉर लेटर है वो क्या है? लाइन आ रहा है। क्या रहा है? लाइन। तो लाइन का मतलब क्या होता है कि ऐसी इक्वेशन जो लाइन को रिप्रेजेंट करती हो क्या कहलाती है? हमारी लीनियर इक्वेशन कहलाती है। तो कैसे इसको डिनोट करते हैं, कैसे इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं
लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो इसे लीनियर इक्वेशन क्यों कहा जाता है? तो पहले हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म के बारे में, वो भी किस में, टू वेरिएबल्स के रूप में। तो करते हैं हम इसके बारे में बात, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, लिखेंगे हम जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। ए यहाँ पर क्या है, बी क्या है और सी क्या है, इसके बारे में पहले बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए क्या है, ए है कॉफिशेंट ऑफ एक्स, बी है हमारा कॉफिशेंट ऑफ वाई एंड सी है हमारी कॉन्स्टेंट टर्म। तो यहाँ लिखते हैं ए क्या है हमारा कॉफिशेंट ऑफ एक्स, कॉफिशेंट ऑफ एक्स, बी क्या है हमारा कॉफिशेंट ऑफ वाई एंड सी क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो सकता है, मे बी जीरो, मे बी माइनस थ्री, माइनस फोर, एनीथिंग। तो ये हो गया हमारे ए बी और सी। एंड एक्स और वाई क्या है हमारे, एक्स और वाई है हमारे वेरिएबल्स। तो यहाँ लिख देते हैं एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स, ये है हमारे वेरिएबल्स। जब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि हर लीनियर इक्वेशन क्या देगी, हमारे लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो जब लाइन को रिप्रेजेंट करेगी वो तो हम सीख चुके हैं। अब हम करने वाले हैं यहाँ पर बात, जब लीनियर इक्वेशन एक ना दे रखकर दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी हो तब हम क्या करेंगे और क्या उसकी जनरल फॉर्म होगी। तो क्या होगी जनरल फॉर्म उसकी, उसके बारे में बात करते हैं। तब दो होगी तो उसकी जनरल फॉर्म क्या बनेगी, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल्स टू जीरो। एंड सिमिलरली ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल्स टू जीरो। अब हम यहाँ पर एक अच्छी सी ट्रिक सीखने वाले हैं, बिना ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हुए हम इसके नेचर बता सकते हैं, हम इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता सकते हैं। क्या तरीका है वो, उसे कहते हैं हम इनके कॉफिशेंट का कंपेरिजन करना। क्या कहते हैं, इनके कॉफिशेंट का कंपेरिजन करना। कैसे करेंगे इनके कॉफिशेंट का कंपेरिजन, बात करते हैं। कॉफिशेंट कौन कौन से हैं, ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू। तो करते हैं इनके कॉफिशेंट का कंपेरिजन। हमारे पास जनरल फॉर्म दी गई है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। अगर हम क्या करना है, अब हमें क्या करना है, कंपेयर द रेशियो ऑफ कॉफिशेंट। हमें क्या करना है, कॉफिशेंट के रेशियो को कंपेयर करना है और इनकी हेल्प से हम बता सकते हैं ये तीनों चीज़ें क्या होगी। तो स्टार्ट करते हैं, हम करेंगे पहले कंपेरिजन स्टार्ट। तो करेंगे ए वन अपॉन ए टू एंड बी वन अपॉन बी टू। अगर ये दोनों इक्वल ना आए, अगर अगला इक्वल हो या नहीं हो, यानी कि सी वन अपॉन सी टू चाहे तो इक्वल हो और चाहे तो नॉट इक्वल, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी कारण मैं इसको यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, इसी कारण से इसको यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। तो कहने का मतलब, अगर ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू का जो रेशियो हो वो इक्वल ना आए तो क्या होगा, नेचर ऑफ लाइंस क्या होगी हमारी, हमारी जो लाइंस होगी वो होगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। एंड सिमिलरली जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा तो क्या होगा, वो होगा हमारा यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब क्या होता है, ओनली वन सॉल्यूशन। क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। एंड सिमिलरली जब लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो ग्राफ पे कैसे आएगी, वो ग्राफ पे अप्रोक्सीमेटली ऐसे आएगी, एक लाइन ये होगी और एक लाइन ये होगी। कहने का मतलब कहीं ना कहीं वो क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। ये होता है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन, ये हो गया नेचर ऑफ लाइंस। अगर हमारे पास एक कंडीशन और बनती है, अब हमारे पास एक कंडीशन और बनती है, अगर ये क्या हो, जैसे ए वन अपॉन ए टू का हमने रेशियो निकाला, बी वन अपॉन बी टू का रेशियो निकाला और सी वन अपॉन सी टू का रेशियो निकाला, और ये तीनों क्या आ गई, ये तो इक्वल आ गया और ये भी इस बार क्या आ गया है, इक्वल आ गया। तो क्या होगा, तो हमारी लाइंस क्या होगी यहाँ पर, इंटरसेक्टिंग ना होकर को इंसिडेंट लाइंस होगी। क्या होगी, को इंसिडेंट लाइन। अब आप सोच रहे होंगे सर को इंसिडेंट लाइंस क्या होती है, बताते हैं, ज़रूर बताएंगे आपको। को इंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन ऐसी लाइन होती है, लाइन के ऊपर लाइन आ जाना, वो क्या कहलाती है हमारी, कोइंसिडेंट लाइंस। और जब लाइन के ऊपर लाइन आएगी, जैसे ये हमारी एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर अगर एक लाइन आ जाती है तो इसका मतलब क्या होगा, हर पॉइंट क्या देगा हमें, सॉल्यूशन देगा। उसे क्या कहते हैं हम, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या लिखते हैं हम, इनफाइनाइट
मैनी सॉल्यूशन। और कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा उसका, उसको लिखते हैं जैसे लाइन है हमारी, इस लाइन के ऊपर ही क्या आ जाए, एक और लाइन आ जाए, उसे क्या कहते हैं हम, कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। इस लाइन के ऊपर क्या आ गया, एक लाइन और आ चुकी है। और जो थर्ड कंडीशन है हमारी वो क्या होगी, हमारी ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू, ये तो इक्वल आ जाए लेकिन ये वाली टर्म्स इक्वल ना आए तो क्या होगा, सी वन अपॉन सी टू। इस कंडीशन में क्या हो गया, हमारे पास जो लाइन पहले इंटरसेक्टिंग आ चुका है, कोइंसिडेंट आ चुका है, अब कौन सी लाइन आएगी हमारे पास, पैरेलल लाइंस। क्या आएगी लाइन, पैरेलल। और जब लाइंस पैरेलल हो, पैरेलल लाइंस, और जब लाइंस पैरेलल हो तो कभी सॉल्यूशन आएगा क्या, लाइन के ऊपर लाइन पैरेलल आ गई, जैसे ये लाइन क्या है, पैरेलल है टेबल वाली लाइन, तो कभी पॉसिबल है क्या कि सॉल्यूशन कुछ आएगा, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो सॉल्यूशन भी नहीं आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी। और यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पर एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है जो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करने वाली है, उसे क्या कहते हैं हम, नो सॉल्यूशन। अब हम बात करें तो ये जो सॉल्यूशन आया है, और जो सॉल्यूशन आया है इसमें कहीं ना कहीं सॉल्यूशन तो आ ही रहा है, चाहे एक आए चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए, इन दोनों सॉल्यूशन क्या कहते हैं हम, कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। क्या लिखते हैं, कंसिस्टेंट। एंड सिमिलरली जो ये सॉल्यूशन आया है, सॉल्यूशन ही नहीं आने वाला इसके अंदर, तो इसे क्या कहते हैं हम, इनकंसिस्टेंट। क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको हमारी बात समझ आई होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ में क्या होता है, किस चीज़ को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, इसके बारे में पहले बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ग्राफ में हमारे पास क्या होते हैं, दो एक्सिस होती है। क्या होती हैं, दो एक्सिस। तो उन दो एक्सिस को क्या कहा जाता है, क्या इनके नेम होते हैं, उनके बारे में पहले बात करते हैं। ये एक एक्सिस होगी हमारे पास ये एक्सिस, और एक होगी हमारे पास ये एक्सिस। इस एक्सिस को कहते हैं हम एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। और इसको क्या कहेंगे हम, वाई एक्सिस। और जब इस एक्सिस को ही हम नेगेटिव अगर फॉर्म में लिखें तो उसको क्या कहेंगे हम, अगर इसी एक्सिस को हम नेगेटिव में लिखें तो इसे कहेंगे हम एक्स डैश एक्सिस, और इसको लिखें तो इसको कहेंगे हम वाई डैश एक्सिस। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ज़रूरी नहीं है आप इसको स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो, नॉर्मली जो बुक में वे होता है मैं उसी अकॉर्डिंग यहाँ लिख रहा हूँ कैपिटल लेटर्स के अंदर, ठीक है। अगर हम इसे किसी एक और नाम से बताना चाहें तो उसे कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और अगर इसे किसी और नाम से बताना चाहें इसे क्या कहेंगे हम, वर्टिकल एक्सिस। क्या कहेंगे, वर्टिकल एक्सिस। और जब एक्सिस का मैं प्लूरल करना हो तो उसे एक्सिस ना कहकर एक्सेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्सेस। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, ये जो दोनों एक्सिस है जिस पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है या मीट करती है कह सकते हैं, उसे क्या कहेंगे हम, ओरिजिन। क्या कहेंगे उससे हम, ओरिजिन। और जब ओरिजिन है मतलब क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया एक्सिस का। और जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमेशा हमारे पास, उसे कहेंगे हम 0, 0। अब आपको समझ में नहीं आया सर आपने क्या लिखा है कैसे लिखा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसे इसी कारण से क्या कहते हैं, हम ओ से डिनोट करते हैं। क्या कहते हैं, इसे ओ से डिनोट करते हैं। कुछ बातें और करनी है हमें, क्या होते हैं कोऑर्डिनेट, क्या होते हैं एब्सिसा, क्या होता है ऑर्डिनेट, इन तीनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले किसी भी अगर ग्राफ पर हमें किसी पॉइंट को डिनोट करना हो तो पहला तरीका क्या होता है हमारे पास, उसके एक्स वैल्यू को लिखते हैं, फिर उसके बाद उसकी वाई की वैल्यू को लिखते हैं। तो कैसे, जैसे हमारे पास कोई यहाँ पर एक पॉइंट है, क्या है, कोई एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट की वैल्यू हमें पता नहीं है, नेम पता नहीं है, तो कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। तो उसके लिए मैथमेटिशियन ने क्या किया, सबसे पहले जो हमारी एक्सिस है इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू रखी गई। तो कैसे रखते हैं वैल्यू, जैसे यहाँ रख दिया मैंने 1, यहाँ रख दिया मैंने 2, यहाँ रख दिया मैंने 3, यहाँ रख दिया मैंने 4। एंड सिमिलरली ये नेगेटिव एक्सिस है, यहाँ क्या लिखेंगे, -1, -2,
-3 एंड -4। तो कहने का मतलब हमने जो एक्सिस लिखी है इसने कुछ ना कुछ एक स्केल लिया होगा, हमने क्या लिया होगा स्केल, क्योंकि हम मर्जी से अपना कुछ भी नहीं ले सकते। तो स्केल क्या लिखते हैं, पहले जब भी ग्राफ सॉल्व करें सबसे पहले क्या लिखते हैं हम यहाँ पर स्केल लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्केल। और क्या होगा हमारा स्केल, हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया, जो एक कॉलम था हमारा जो बॉक्स था एक, उसे क्या लिया एक वन यूनिट लिया, क्योंकि हमें पता नहीं है ये यूनिट कौन सी है, किलोग्राम है मीटर है सेंटीमीटर, डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चन पर। तो लिखते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस क्या ले लिया हमने वन यूनिट। एंड सिमिलरली ये काम वाई पे भी करना पड़ेगा हमें, तो डिपेंड करेगा वाई की वैल्यू पर ग्राफ में जो दे रखी होगी। तो हम एक बार समझने के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एंड सिमिलरली -1, -2, -3, -4। तो यहाँ भी हमने क्या लिया वाई एक्सिस, वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू वन यूनिट। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब जब हमारे पास यूनिट आ चुकी है, सब कुछ आ चुका है, और हमें क्या करना है इस पॉइंट को डिनोट करना है, क्या करना है इस पॉइंट को डिनोट करना है। तो जब भी पॉइंट को डिनोट करना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम उस पॉइंट से एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू को लिखते हैं। तो यहाँ देखें, इसमें अगर एक्स की वैल्यू देखें तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर 2 आ रही है, एंड वाई की वैल्यू को देखें तो वाई यहाँ पर है वाई एक्सिस, तो वाई की वैल्यू आ रही मेरे पास वो भी 2 आ रही है। तो दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या लगाते हैं, हम कॉमा लगाकर पॉइंट को डिनोट करते हैं। तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारा एक्स हो गया, और ये क्या हो गया हमारा वाई हो गया। अब हम इस जो एक्स की जो पॉइंट है, इस एक्स पॉइंट को क्या कहते हैं, हम एब्सिसा कहते हैं, क्या कहते हैं एब्सिसा, इसे कहते हैं हम एब्सिसा। एंड जो हमारा वाई पॉइंट है, इस वाई पॉइंट को क्या कहते हैं हम ऑर्डिनेट, क्या कहते हैं हम ऑर्डिनेट। और जो दोनों पॉइंट आ चुके हैं हमारे पास, इन दोनों पॉइंट्स के जो कॉम्बिनेशन जो साथ में लिखा है इस फॉर्म में, इसे क्या कहते हैं हम कोऑर्डिनेट, क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे यहाँ पर एक्स कॉमा वाई हो गए। तो आई होप मेरे पैरा स्टूडेंट्स आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। तो हम समझ चुके हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ग्राफ की जो वैल्यू है एक्स की वैल्यू उसे कहते हैं हम एब्सिसा, वाई की वैल्यू कहते हैं ऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस को कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वाई एक्सिस को कहते हैं वर्टिकल एक्सिस, दोनों पॉइंट के कॉम्बिनेशन को साथ में लिखने को कहते हैं हम कोऑर्डिनेट, एक्सिस के प्लूरल होता है एक्सेस, ये सब बातें हम जान चुके हैं। और किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करें उससे पहले हमें उस स्केल को लिखना जरूरी होता है, क्योंकि हमारे पास जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस स्केल की वैल्यू भी होती है, कहने का मतलब स्केल के नंबर यानी कि मार्क्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब हम बात करें कि कैसे किसी नंबर वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हमें कह दिया जाए कि आप 2.3 को रिप्रेजेंट करो ग्राफ पर, तो 2.3 का मतलब क्या हो गया हमारे पास, ये x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू 2 ये रही और y की वैल्यू 3 ये रही, तो x एक्सिस में 2 देखा और y एक्सिस में 3 देखा, हमें इन 2 और 3 को मिलाना है। तो 2 को ले जाना है 3 के पास और यहाँ 3 को ले जाना है 2 के पास, दोनों पॉइंट कहाँ मिलेंगे यहाँ मिलेंगे। तो ये पॉइंट कहाँ डिनोट हो जाएगा, 2.3 यहाँ पर डिनोट हो जाएगा, और यहाँ पर 2 क्या है वैल्यू ऑफ x एंड 3 क्या है वैल्यू ऑफ y। आई होप आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी। अब इसी प्रकार हम जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे इस बारे में हम बात करते हैं। मान लो हमें क्वेश्चन दे रखा हो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, हमें इसको क्या करना है ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि हमें पता है जो इक्वेशन है हमारे पास वो क्या है लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन क्या देगी हमें यहाँ पर एक लाइन देगी। तो इस लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम बात करते हैं। अब हम देखते हैं, हमें मान लो इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, शायद तो हम यहाँ पर बहुत कुछ वैल्यूज गैस कर सकते हैं, लेकिन हम सिंपल एग्जांपल से ग्राफ पर कैसे पॉइंट्स को पुट करते हैं और कैसे लाइन रिप्रेजेंट करते हैं इस बारे में सीख रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से जो भी इक्वेशन दे रखी हो उसमें क्या करेंगे, वहाँ से या तो x या फिर y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू क्या आएगी 5 - y आएगी, क्या आएगी x इज इक्वल्स टू 5 - y। अब क्या करेंगे यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे हम, क्योंकि फर्स्ट वर्क होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, उसके बाद सेकंड वर्क क्या होता है मेक द टेबल। तो यहाँ टेबल हमने बना ली है, तो यहाँ लिखेंगे हम x, यहाँ लिखेंगे हम y। वैसे अगर हम बात करें तो टेबल में केवल 2 वैल्यू से हमारी लाइन रिप्रेजेंट हो सकती है, लेकिन हमारे कोई गलती ना हो या अच्छे से परफॉर्म करना हो हमें लाइन को, तो क्या करेंगे हम 3 पॉइंट्स मिनिमम निकालेंगे, ज़्यादा कितने भी निकाल सकते हैं, मैं मिनिमम क्या करूँगा 3 पॉइंट्स फाइंड आउट करूँगा। तो पहला काम क्या है,
हमें यहाँ पर वाई की वैल्यू को पुट करना है। जैसे जैसे हम वाई की वैल्यू को पुट करेंगे वैसे वैसे हमारे पास एक्स की वैल्यू आती रहेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं जीरो से। तो अगर हमने वाई की वैल्यू यहाँ जीरो पुट की तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास जीरो, और फाइव माइनस जीरो क्या होता है, फाइव ही होता है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइव। इसे हम केस के थ्रू भी लिखेंगे। जैसे फर्स्ट केस क्या हो गया हमारा, पुट y इज इक्वल्स टू जीरो, हमने क्या किया y की वैल्यू जीरो पुट की यहाँ पर। तो देन x क्या आ गया हमारे पास, x आ गया हमारे पास 5 माइनस y की जगह पुट किया मैंने जीरो, तो 5 माइनस जीरो क्या आ गया मेरे पास, 5 आ गया। तो जो पॉइंट क्या बन गया मेरे पास, 5, 0। सिमिलरली हमें यहाँ पर y की वैल्यू नेक्स्ट पुट करनी है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। वैसे हम क्या करेंगे यहाँ पर, केस सेकेंड करेंगे। तो केस सेकेंड में क्या आ जाएगा मेरे पास, पुट वाई इज इक्वल्स टू वन, पुट वाई इज इक्वल्स टू वन। तो यहाँ हमें क्या करना है, वाई की वैल्यू वन पुट करनी है। तो करते हैं वाई की वैल्यू पुट, देन एक्स इज इक्वल्स टू फाइव माइनस वन, यहाँ वाई की वैल्यू क्या कर दी मैंने, वन पुट कर दी। तो एक्स क्या आ जाएगा मेरे पास, फोर। तो मैंने पुट तो किया वन और एक्स क्या आ गया, फोर। एंड सिमिलरली आप केस थर्ड भी लिख सकते हो। कैसे करेंगे, यहाँ पुट करेंगे हम टू, तो फाइव माइनस टू क्या हो जाएगा मेरे पास, थ्री। आई होप दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। ये आ चुकी है हमारी टेबल। अब इस टेबल को क्या करना है, हमें रिप्रेजेंट करना है किस पे, इस ग्राफ पर। तो कब से, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या है हमारे पास पॉइंट, 5, 0। तो x की वैल्यू तो हमारे पास 5, तो अगर यहाँ पर मेरे को x की वैल्यू 5 नहीं दिख रही है, ये हमारा x एक्सिस है, x एक्सिस में देखना है हमें y की वैल्यू क्या है, 5 नहीं दिख रही है, तो हमें पता है ये क्या है, एक लाइन है। और लाइन को जितना चाहे हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू कंडीशन कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4 के बाद क्या आता है, 5, ये आ गया हमारे पास 5। और x की वैल्यू तो 5 थी और y की वैल्यू क्या थी, 0 थी। तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, तो पॉइंट कहाँ बनेगा, जो वैल्यू 0 के अलावा होगी पॉइंट कहाँ बनेगा, वहीं पर बनेगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास वैल्यू के पर एक पॉइंट। और कैसे डिनोट करेंगे इसको, x की वैल्यू 5 है तो 5, 0। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। सेकंड है हमारे पास पॉइंट 4, 1, यानी कि x की वैल्यू तो मेरे पास है 4 एंड y की वैल्यू है मेरे पास 1। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1 कहाँ होगी, 4 को यहाँ जाएगा और 1 यहाँ आएगा, तो पॉइंट अप्रोक्सीमेट कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो क्या हो गया पॉइंट का नेम, 4, 1। आप चाहें तो इसे देख सकते हैं करके, ये हो गया 4, 1। एंड सिमिलरली थर्ड पॉइंट है हमारा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। तो यहाँ x की वैल्यू 3 इस लाइन में ये रही और y की वैल्यू 2 ये रही। तो 3 और 2 का जो ग्राफ बनेगा पॉइंट, यहाँ बनेगा 3, 2। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तीन पॉइंट्स आ चुके हैं और तीनों के तीनों पॉइंट देखें तो अप्रोक्सीमेट क्या है, एक ही लाइन के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों पॉइंट्स को मैंने थोड़ा अच्छे से लिख लिया है ताकि कोई भी कमी या कन्फ्यूजन आपको न लगे। अब हम क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को हमें मिलाना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो मिलाते हैं इन पॉइंट्स को, इसको मिलाएंगे इससे, इसको मिलाएंगे इससे। तो यहाँ की जो लाइन रिप्रेजेंट होगी उसे क्या कहेंगे हम, एक लीनियर इक्वेशन की लाइन कहेंगे। तो अब हमने जिस इक्वेशन की हेल्प से इस लाइन को रिप्रेजेंट किया है, उस इक्वेशन को भी हमें यहाँ पर लिखना है। तो इक्वेशन क्या थी हमारे पास, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, हमें इसको भी यहाँ पर लिखना ज़रूरी होता है। और आप चेक कर सकते हैं इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। यहाँ देखिए सम 5 आ रहा है, यहाँ भी सम 5 आ रहा है और यहाँ पर भी सम 5 आ रहा है। तो ये होगी हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। अब मैं आपको क्या करूँगा, एक और इम्पोर्टेंट तरीके से इस बात को समझाऊँगा। क्या कि यहाँ पर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। क्या है सॉफ्टवेयर का नाम, सॉफ्टवेयर का नाम है हमारे पास जियो जेब्रा। जैसे एलजेब्रा होता है वैसे एक नाम है जियो जेब्रा। जियो मतलब ग्राफिकल एंड जेब्रा मतलब रिप्रेजेंटेशन आपका, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा जियो जेब्रा। तो इसमें क्या कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाया है उसी ग्राफ को हम केवल यहाँ पर हम इस इक्वेशन को इस ऐप में रखेंगे तो सेम ग्राफ ये हमारा बन जाएगा उस ऐप के अंदर भी। और इसी की बात हमें आपको यहाँ पर ऐप में दिखाने वाला हूँ। चलते हैं हमारे इस ऐप की ओर। तो हम अब आ गए हैं हमारी मोबाइल स्क्रीन पर। जो जेब्रा ऐप में हमें क्या करना है, सबसे सिंपल वर्क सीखेंगे यहाँ पर कि कैसे किसी इक्वेशन को यहाँ पर प्लॉट किया जाता है।
तो देखेंगे यहाँ पर इक्वेशन था हमारा एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू फाइव। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर इक्वेशन दिख रखी है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर वैल्यू चेक करनी हो तो क्या होंगे इसके पॉइंट्स, 5.0, और यहाँ इसके पॉइंट्स क्या होंगे, 0.5। तो बताइएगा दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कैसा लगा ये ऐप। आप भी यहाँ पर कोई भी इक्वेशन पुट करके किसी भी इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, स्टे होम, स्टे सेफ।